कर्नल बैतला जी ने देखिए कर्नल बैतला साहब ने जो संघर्ष किया है वो समाज कभी भूल नहीं सकता। जो कुछ भी समाज की उपलब्धि हुई है, एमबीसी बना, अलग वर्ग बन गया, आरक्षण मिल गया और बच्चे पढ़ाई में जो है जो भी टैलेंटेड बच्चे उन सबको मौका मिल रहा है, ये तमाम अगर एक व्यक्ति को इससे जाता है एक व्यक्ति को, तो वो है कर्नल बैतला जिसने ये नया रास्ता दिखाया कौम को, संघर्ष किया गरीबों के लिए, वो कामयाब रहे। मेरे से बहुत ही व्यक्तिगत संबंध ऐसे बन गए कि लगातार मैं संपर्क में रहा उनसे और कौम के बारे में, गरीब के बारे में, किसान के बारे में हमेशा वो चिंतित रहते थे और लंबी लंबी हमारी वार्ता भी हुई। तो ऐसा शख्स चला गया इस बात का हमें बदागात है और मैं समझता हूँ कि समाज भी कभी उनको भूल नहीं सकता, चाहे देवना योजना हो, चाहे आरक्षण हो। आज जितने बच्चे घर बैठे हुए आज वो उनकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे जिनको कर्नल बैतला के कारण से आरक्षण मिला और नौकरी लग गई, तो वो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे जिंदगी के अंदर, उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया। तो मैं उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार वालों को, उनके फॉलोअर्स को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ईश्वर ये मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं तो देखिए जब सितर समाज के लोग देहांत हो गए थे, सितर लोग मारे गए थे पुलिस फायरिंग के अंदर भी, उसके बाद में जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तब मेरा इनसे संबंध जुड़ा, वो जिंदगी में जुड़ा ही रहा, क्योंकि घंटों ये किस्से कहानी बताते रहते थे। और इसमें तो ये है कि मैं जब अपने लॉन में बैठा हुआ बात कर रहा था रात को, तो थोड़ी हंसी मुझे कम ही आती है, उस दिन इतनी हंसी आ रही थी इनकी बातों से कि मुझे मेरे जो सीएमओ के लोग थे घर आए हुए थे वो कह, यार क्या हो गया मुख्यमंत्री को, इतिहास क्यों रहे। तो आप उसे कल्पना कर सकते हो कि क्या क्या गपशप मुझसे की होगी इन्होंने, वो अलग किस्से कहानी है। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि प्रतिबद्ध थे पूरी तरह समाज के लिए, गरीबों के लिए, और उनकी यादें तो जिंदगी भर बनी रहेगी। इसलिए मैंने कहा जो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया उसको कोई भूल नहीं सकता, आने वाली पीढ़ी उनको याद करेगी, जो गरीब कौम है उनकी छात में और लगी हुई है एमबीसी के अंदर, वो सब याद करेंगे, ओबीसी वाले याद करेंगे, आम जनता याद करेगी। उनको मालूम है कि कौम के लिए संघर्ष करना कितना भारी काम होता है। सर वैसे तो क्षण नहीं है सर वो बात करने का, लेकिन राजस्थान पुलिस ने एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है सर, राजस्थान में अमन बना रहे, जो बड़ी एटीएस ने जो लड़कों को रखा उसको रोका है सर, तो सरकार किस तरह से काम करे सर इसके लिए। ये अभी मेरी होम की मीटिंग हुई 5-6 घंटे, कल हुई 5-6 घंटे, आज हुई है, तो हम लोगों ने काफ़ी डिसीजन किया है, अलग से कभी बात करें उसके बारे में। अध्यक्ष जी काम कर कर्नल बैतला साहब ने पहले देश की सेवा की और पूरे देश को एक और अखंड रखने में उन्होंने अपना जवानी बिताई, और उसके बाद में आने के बाद में उन्होंने समाज को एक जो उनका हक था उसके दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया, और अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने हमेशा बात कही और बच्चों के शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करने की बात कही। जो आरक्षण मुख्यमंत्री जी ने दिया वो अगर कोई एक शख्स उसका श्रेय अगर जाता है तो वो कर्नल बैतला साहब है। मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में हजारों वर्ष तक उनके इस योगदान को याद रखा जाएगा, इनकी घर घर में पूजा होगी कि इसकी वजह से हमें नौकरी मिली और हमें नया जीवन मिला। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को खोना हमारे सब के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, लेकिन विधि का विधान है, कोई टाल नहीं सकता। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये जो
दुख की घड़ी है उसमें ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करी, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं।